हेलो फ्रेंड्स, हम सभी गाड़ी में आ चुके हैं और सुबह के बज रहे हैं 5। तो अभी सभी को सोना है, पूरी नाइट हो गई हम लोग को बात करते हुए। तो गाड़ी में आते ही सबको नींद आ रही है, काव्य को भी सुलाना है मुझे और सभी लोग बहुत थक चुके हैं। तो मैं यहाँ पर काव्य के लिए बिछा रही हूँ सीट पर चादर, तो उसे सुलाऊँगी सबसे पहले और मुझे भी सोना है। तो यहाँ पर देखिए आप सभी सो रहे हैं अभी भी और ये 6 बज रहा है, अब 1 घंटा हो चुका है हमें। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बाहर उजाला दिख रहा है और यहाँ पर इनका हो गया मॉर्निंग का नाश्ता। तो ये काव्य खा रही है सोया स्टिक और उसकी सिस्टर बैठी है, तो ये दोनों बैठ के खा रहे हैं। और यहाँ पर काव्य उसकी बड़ी सिस्टर की गोदी में बैठी हुई है, तो इसका तो मुँह चलता ही रहा है खाने में, बस खाने खाना खाया इसने उठिए जब से। तो यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली बैठी है और यहाँ पर देख रहे हैं आप बाहर का बहुत ही अच्छा नज़ारा आया है। इसके बाद आएगा नागपुर का ब्रिज जिस पर मेरी गाड़ी छूटते छूटते बची। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा था, इसका वीडियो बनाते समय मेरा ध्यान नहीं रहा, गाड़ी चल दी और मेरे हस्बैंड ने एकदम आवाज़ लगाई मुझे, फिर हम लोगों ने भागे। और यहाँ पर आपने उनकी आवाज़ सुनी होगी, इस तरह से चिल्लाए थे एकदम से ज़ोर से वो मुझे, क्योंकि गाड़ी चल दी थी, स्पीड पकड़ ली थी गाड़ी ने। और अंदर से मेरी जेठानी जो विंडो का जो ग्लास ये देख रहे हैं आप, इसे बिल्कुल पीट रही थी वो, क्योंकि गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली थी। फिर हम लोगों ने चलते समय गाड़ी पकड़ी, मेरे हस्बैंड ने पहले मुझे चढ़ाया फिर खुद चढ़े, मतलब स्पीड हो गई थी गाड़ी की, बच गए हम लोग उस दिन, नहीं तो हम वहीं रह जाते नागपुर में। और यहाँ पर मेरी जेठानी बैठी विंडो के पास, यहीं से इन्होंने खिड़की को एकदम ज़ोर ज़ोर से पीटा था, उनके हाथ तक दर्द करने लग गए थे। और ये देखिए ये पूरी फैमिली बैठी हुई मेरी यहीं पर ही, हम लोग को सबको साथ में ही सीट मिल गई थी। ये मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं और उन्हीं के पास में काव्य लेटी हुई है। तो यहाँ पर ये बाहर का देखिए आप, बहुत ही अच्छे सीन थे बाहर के, बस ये वीडियो नहीं बना पाई मैं अच्छे से। और ये काव्य लेटी हुई है, ये ऐसी सो रही है झूठ मूठ का, आँख खुली है इसकी, देखिए आप एक्टिंग मार रही है ये। इसको देख काफ़ी लंबा सफ़र था ये, 2 days और 2 nights का, मतलब मॉर्निंग में ही बैठे थे और मॉर्निंग में ही हम लोग उतरे थे, काफ़ी लंबा सफ़र हो गया था। और यहाँ से चिंगलपट्टू लेक शुरू होता है जो प्लेटफॉर्म के दोनों ही साइड था, और काफ़ी दूर तक इसमें पानी दिख रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र के बीच में ट्रेन चल रही हो और समुद्र के बीच में प्लेटफॉर्म बना हुआ हो। तो ये देख रहे हैं आप, पूरा पानी से घिरा हुआ है ये प्लेटफॉर्म के उस साइड, पूरा पानी पानी है। तो ये पूरा एरिया पानी से घिरा हुआ है, और जहाँ हम रामेश्वरम जा रहे हैं वो भी एक छोटा सा टापू है। और रामेश्वरम जाने के लिए पम्बन ब्रिज से होके जाना पड़ता है जो काफ़ी बड़ा है, पूरी ट्रेन उसके ऊपर आ जाती है, और पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है, डर भी लगता है देखने में। तो रात के समय पहुँचे थे हम लोग 4 बजे के आसपास, तो मैं ज़्यादा उसे कैप्चर नहीं कर पाई वीडियो में, और जो भी कुछ कर पाई हूँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। बहुत ही मतलब अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। तो अब आने वाला है पम्बन ब्रिज, तो मैं आप उसी का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने विंडो से लिया था तो अच्छे से नहीं आ रहा था, फिर मैं गेट पे गई तो थोड़ा क्लियर दिखा, और काफ़ी मतलब डर भी लग रहा था देखने में, चारों तरफ पानी पानी था और ट्रेन सिर्फ पटरी के ऊपर चल रही थी। और उसके 20 मिनट बाद हम रामेश्वरम पहुँच गए थे, तो ये हम स्टेशन पर आ चुके हैं। तो अब हम वेटिंग रूम में जाएँगे, वहीं पर हमारा पूरा सामान रखेंगे, उसके बाद हम रामेश्वरम घूमेंगे, तो वहाँ का मंदिर जाएँगे हम देखने, पहले हम वेटिंग रूम जा रहे हैं तो सारा सामान वहाँ पर रख के। और आप लोग को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, इससे आगे के व्लॉग के लिए आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। थैंक यू, बाय।